गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला लेक्चर काफी पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो तो लंबा था लेकिन इतना भी लंबा नहीं था कि आप लोग उससे डर जाएंगे। ठीक है, जो लोग भी उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं उसे जरूर से वॉच करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप, मैंने बताया कि अगर आप कोई भी, ठीक है, चेन का एक भी पार्ट अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू आज करें वीडियो। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ एक वीडियो में, बस मेरा पिछला वीडियो थोड़ा सा लंबा था इसलिए, क्योंकि मैंने वहां पे सोचा था कि एक साथ अगर मैं सारे क्वेश्चन को एक प्लेटफॉर्म पे रखूंगा, एक वीडियो में रखूंगा, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं सोच रहा था जो बाकी क्वेश्चन वो भी उसी में करते, बट बहुत ज्यादा लंबा जाता तब दिक्कत हो जाती, तो मैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 18, 19 और 20 तीन क्वेश्चन है, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग बस कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें और अच्छा खासा मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं साथ में। ठीक है, बहुत सारे आपको चैनल्स देखते हैं आप, वहां पे प्रॉपर आपको नोट्स नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको मैं बोर्ड के एग्जाम में, चूंकि बोर्ड का हम लोग अभी से प्रिपरेशन भी कर रहे, तैयारी भी, ये नहीं कि लास्ट आवर में आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको मैं अच्छा खासा नोट्स भी दे रहा हूं, तो आप नोट्स को क्लियर करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए, वरना फिर वही आप तमाम जो ऐप है वहां से आप क्या करते हैं, नोट्स को कंप्लीट करते हैं और वेट करेंगे टीचर्स का, तो दिक्कत होगी। आप लोग अभी से अपना नोट्स बनाइए। हाँ, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको भी नोट्स अच्छा पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट। सम क्या होता है, एड करेंगे तो सम मिलेगा, किसको, फोर्थ और एट्थ टर्म को जब एड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 24 है। किसी एपी के क्या चीज, फोर्थ और एट्थ टर्म को जब एड किया जा रहा है तो आंसर क्या मिला, 24। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म्स इज 44। और उसी सीरीज के सिक्स और टेंथ टर्म को जब ऐड किया जा रहा है तो उसका वैल्यू क्या मिला, 44 मिला। ओके, अगेन फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। अब हमें क्या करना है, उस एपी का फर्स्ट थ्री टर्म लाना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड एपी टर्म्स को बताने हैं। ठीक है, बहुत पहाड़ नहीं है, सीधी सी बात, हम लोग एपी के फर्स्ट सेकंड थर्ड को तभी ला पाएंगे जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मालूम होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट के हेल्प से दो इक्वेशन को बनाएंगे जैसे अभी तक बनाते आए हैं और उसको सॉल्व करेंगे, ए और डी के वैल्यू को जुटा लेंगे और अपनी एपी को बना लेंगे। राइट, चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट सोल्यूशन ये, लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये एम है, थोड़ा सा ये समझिएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ऑफ द एपी बी क्या है, फर्स्ट टर्म ए हो गया एंड डी। मैं अपने स्ट्रक्चर को, लेट करने की स्ट्रक्चर को एक ही फॉर्मेट पे इसलिए लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा तो चेंज भी कर लेता बट एक ही फॉर्मेट पे इसलिए लिख ले रहा हूं ताकि आपको लिखते लिखते लर्न हो जाए। ठीक है, वही चीज, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका तगड़ा हो। ठीक है, ओके, ए एंड डी हो गया रिस्पेक्टिवली। चलो, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, दो कंडीशन है, दो बार क्वेश्चन में दो मोड आ रहा है, तो एक मोड के हेल्प से, एक केस के हेल्प से हम लोग एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और दूसरे केस के हेल्प से दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, तो केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो गया प्लस करेंगे तभी सम आएगा, एट टर्म कितना है डियर स्टूडेंट्स, 24 है। ओके, अब इसको आप अल्जेब्रिक फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट कर लीजिए, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी प्लस, ये प्लस, और एट टर्म इज ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ओके,
ए ए ऐड हो जाएगा, टू ए मिलेगा। ओके, अगेन 73d मीन्स हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, बातें समझ में? अब क्या करते हैं, देखते हैं कि यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि क्वेश्चन को करने का मतलब ये होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अब क्या करें इसके बाद। तो यहां तक करने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, क्या यहां पे इक्वेशन वन लेट करना बेहतर है? आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्यों अपने क्वेश्चन को ज्यादा क्यों बड़ा बनाए, छोटा बनाए, सिंपल बनाए, तो उससे कैलकुलेशन करने में आपको क्या होगा, हेल्प होगा। तो यहां पे हम लोग दो से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, मीन्स टू कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, सब में से टू कॉमन कर लेंगे तब भी हो जाएगा आपका मन। देखिए ऐसे करते हैं इसको, इसको अगर ब्रॉड मतलब इसको डिटेल में देखेंगे तो ऐसे होगा, टू कॉमन ले लेंगे तो टू मीन्स हो जाएगा ए प्लस 5d इज इक्वल टू 24, और 2 को ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा आपके पास, क्या मिलेगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। कैसे 12 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ना इधर इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके 24 अपॉन 2 हो जाएगा और डिवाइड करेगा 12 मिलेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे एज यू विश, बट इतना डायरेक्ट मत करिए कि अपने स्टेप को आप गलत कर बैठे, आंसर आपका रॉन्ग हो जाए। अब यहां पे इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपका ये। ओके, बातें समझ में? अब हम लोग ऊपर का थोड़ा सा इरेज करेंगे और आप इसको पॉज करके बढ़िया से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं इस इरेज कर रहा हूं क्योंकि नीचे हो जाएगा धीरे धीरे। ओके चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, बस आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैथ्स ऐसी चीज है कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है, स्वाद लेने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, तो केस नंबर 2 के लिए आपके पास अपना क्वेश्चन होगा, मेरे पास अपने बुक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है 6th and 10th term, 6th term प्लस 10th term इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 44। कितना है, 44। इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं जैसे इसको किए थे, सेम प्रोसीजर है इसका भी, a प्लस 5d एंड a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, मीन्स 2a प्लस 95 कितना हो जाएगा, 14d इज इक्वल टू 44। दिस इंप्लाइज दैट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से डायरेक्ट कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, यहां पे भी वही काम होगा जो यहां पे हुआ, मैं यहां पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, आ जाएगा ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां जाएगा इक्वेशन नंबर, ये हो गया आपका 2nd। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट 2nd हो गया, फिर से वही आप काम कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट माइनस 2nd, 1 और 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे आपको मालूम होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट कर दें या डिटेल में कर दें, चलिए डिटेल में कर दें। ठीक है, 5d इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 12 है और ये सेकंड इक्वेशन हो गया a प्लस, पहले में से दूसरे को माइनस कर ले इसलिए पहला ऊपर रहेगा। ठीक है, एंड 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 7d इज इक्वल टू 20, आपका 22 हो गया। अब माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले की साइन चेंज कर देते हैं, मीन्स जो नीचे वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज जैसे ही करेंगे पाते हैं, क्या पाते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा मीन्स ए ए विल बी कैंसिल, क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड माइनस 2d इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस 10 मिलेगा, मीन्स आफ्टर दैट वी विल फाइंड d इज इक्वल टू 5। d का वैल्यू पुटिंग कर देंगे कहाँ पे, आप बहुत कम लिखिए, लिखने से बहुत ज्यादा लिखने से प्रॉब्लम होगी, फिर यहाँ पे d इज इक्वल टू 5 पुटिंग नहीं, यही डायरेक्ट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, d का वैल्यू 5 मिल गया। अब इसी को 1 में फिर से ले जाकर पुट अप कर दीजिए, 1 इक्वेशन यही था आपका, तो आपको a मिल जाएगा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a और d नहीं आएगा तो आपका मतलब सिक्वेंस का फर्स्ट 3 टर्म्स आप जो पूछा जा रहा है नहीं ला पाएंगे। d मिल गया, अब a लाइए, a तभी आएगा जब d का वैल्यू आप लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब पुट अप करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 और d का वैल्यू अभी आपने लाया क्या है, 5 इज इक्वल टू 12 है, 12 है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, a इज इक्वल
25 को ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड, तो 12 माइनस 25 मीन्स माइनस 13 आ गया। समझ सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सारे टर्म लगा दिए, 25 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे, 12 माइनस 25 होगा, 12 माइनस 25 को करेंगे माइनस 13 आएगा। अब आपके पास a और d का वैल्यू आ गया, तो पूछा क्या जा रहा है? सो फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताइए तो। डायरेक्ट कर दूं? ओके चलिए डायरेक्ट, पहला टर्म क्या है? माइनस 13, ठीक है। अब देखिए उसी में डी ऐड करते चले जाएंगे, सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 तो माइनस 8 आ जाएगा। अरे भाई माइनस 13 में प्लस 5 को ऐड करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़े का लगता है, तो माइनस 8 हो गया। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, फिर से 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 5 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 3, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो फर्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ओके। समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ए और डी लाने का जो क्या था, ट्रेडिशन था, परंपरा थी, उसी परंपरा पे उसी टेक्निक से हम लोग क्वेश्चन को ये भी सॉल्व कर लिया, ओके ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 19 है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, है ना, काफी इंटरेस्ट मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी की सैलरी की प्राइवेसी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। बहरहाल क्वेश्चन देखिए, सुब्बा राव, ठीक है, कोई एक मैन है, वर्क इन 1995, ठीक है, 1995 ईयर में वो काम करना स्टार्ट करता है, एट एन एनुअल सैलरी ₹5,000, कितने सैलरी पर, 5,000 रुपीज पर, एनुअल सैलरी पर क्या करता है, वो वर्क करता है, ठीक है, मतलब एक साल में उसे 5,000 मिलता है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट, और क्या करता है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी जिसे कहते हैं, इंक्रीज हो रहा है उसकी सैलरी पर ईयर, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑफ ₹200 ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी में ₹200 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ₹200 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2020 में उसकी सैलरी सपोज करो कितनी थी, 5000 थी, अब 2001 कितना आएगा, 21 आएगा, तो उस समय उसकी सैलरी में 200 ऐड हो जाएगा, ठीक है, मींस 5200 हो जाएगा। इन विच ईयर, किस ईयर में है ना, इन विच ईयर डिड इनकम रीच ₹7,000, किस ईयर में बोला जा रहा है कि डिड हिज, यहां पे एक वर्ड छूट गया है, डिड हिज मींस उसकी सैलरी किस ईयर में कितना पहुंच जाएगी, 7,000, ओके, मींस आई मीन टू से दैट कितने साल, किस ईयर में, है ना, किस ईयर में उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी, 7,000, ओके ओके। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड विद योर गोल्डन ब्यूटीफुल आंसर, ओके। तो मैं आपको एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स देने जा रहा हूं, ठीक है, चलिए। तो सॉल्यूशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सुब्बा राव के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, चलिए। तो हमें पूछा जा रहा है किस ईयर में, ठीक है, अब ईयर में कितने साल में, किस ईयर में मतलब कितने साल बाद, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। अब आपको जानते हो नंबर कभी भी लेट, मतलब नंबर किसी, इसने पूछा कि किस कितने ईयर बाद, इसका मतलब ये कितने ईयर बाद, तो हम लोग को क्या लाना है, एपी में क्या लाना है, एन लाना है, एन, ठीक है, क्योंकि ए एन का वैल्यू दिया है, पहचानो आप इसमें क्या क्या दिया, सबसे बड़ा बात है कि आपको मैटर को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपके पास मैटर है वो मैटर है क्या, ठीक है, ये जो भी चीज दिया गया है ना, 1995 वो कोई एपी का कोई कंपोनेंट थोड़ी ना है, वो ईयर दिया है, बट अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1995 रख देंगे, लेनी की देनी हो गई, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट
सुब्बा राव की जो सैलरी है, लेट सुब्बा राव हम राव लिख रहे डायरेक्ट, ठीक है, सुब्बा राव सैलरी, ठीक है, कितनी हो जाती है 7000 रुपीज, 7000 आफ्टर एनथ ईयर, एनथ सॉरी एनथ ईयर मतलब एलेवन, ओके एनथ ईयर, ठीक है। तो आप ऐसे लेट कर लेंगे भाई, आपको इंट्रो दे देना होगा, कुछ को लिखना होगा, डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिया। चलो तो अब देखिए सिंस दिखाएंगे डियर स्टूडेंट्स, मुझे एल लाना है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए आपके पास क्या क्या कंपोनेंट है। तो ये जो ना रुपीज फाइव, तो उसने अपना जॉब 5000 रुपीज पर स्टार्ट किया था, इट मीन 5000 इज फर्स्ट टर्म ऑफ हिज सैलरी, है ना, उसकी सैलरी का मतलब उसके जिंदगी का पहला पड़ाव क्या था, ये था, ठीक है, मीन्स ए इज इक्वल टू रुपीज 5000, ओके क्लियर। एंड व्हाट इज डी, यहाँ पे डी क्या है, तो डी इंक्रीमेंट पर ईयर 200 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स डी विल बी 200, ओके डी इज इक्वल टू 200, सीधा सीधा दिया गया। और ये क्या है, ये मतलब एक समय ऐसा आएगा कि 7000 हो जाए, इट मीन्स इट इज लास्ट ऑफ, है ना, हिज लाइफ, उसकी जिंदगी का लास्ट, मतलब अभी नहीं कर रहा हूं कि मैं उसके बाद भी कमाया होगा, बट यहाँ क्वेश्चन में यही तक कमाया है, ठीक है। तो मीन्स ए लास्ट सम इज इक्वल टू रुपीज 7000, ठीक है ना, क्लियर, ओके चलो। तो सो हमें लाना है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है एल इज इक्वल टू, अच्छा वाला प्यारा वाला ये फार्मूला लिख लीजिए, तो ठीक है, ये इस चैप्टर का ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस में समझ रहा है, इस चैप्टर का ये क्या है कि है, ये फार्मूला अगर आपके पास रहेगा तो सारे क्वेश्चन को मार डालेंगे। यहाँ पे आप रख लीजिए 7000, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा मैं कितने जीरो बना रहा हूँ, ये मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ओके एक वैल्यू क्या है रुपीज 5000 प्लस एंड वैल्यू लाना है भाई, ठीक है, एंड वैल्यू लाना है, और डी क्या हो गया, डी मीन्स 200, बेचारा इतना मेहनत किया 200 रुपए पाया इंक्रीमेंट, 5000 भी इधर ट्रांसपोज कर देंगे इधर आएगा, तो अब देखो अब कम हो गया, ओके और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन्स 200 एंड 200, ठीक है, ओके बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको इधर भेज देंगे, ये इधर आकर के इसके साथ क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा और मिल जाएगा क्या चीज, हाँ ठीक है जगह है, मैं सोचा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, इसको ऐड इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे, एंड इसको फिर से कैलकुलेट कर देंगे, इसको उस साइड भेजेंगे तो ये दुश्मनी हो जाएगी उससे, और इधर आकर के इससे मार झगड़ा कर लेगा और कट पिट जाएंगे सब, मर जाएंगे, और ये आ जाएगा 11, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी ये देखिएगा ध्यान से, ये 22 है, ठीक है, मीन्स 11 साल लग जाएंगे बेचारे को, 5000 से शुरू किया 7000 तक इस महंगाई में बेचारे को पड़ा क्या, बहरहाल आप भी मत सोचिए क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन के आंसर बुलाइए, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं आफ्टर 11 ईयर, ठीक है, हिज सैलरी विल बी 7000, ठीक है, कमेंट में लिख दू या लिखना होगा, चलिए मैं ही कर दू, साल हम करेंगे तो कमेंट आप लिखेंगे, ठीक है, हेंस हेंस आफ्टर 11 ईयर, ठीक है, 11वीं साल आफ्टर 11th ईयर his salary will be कितना हो जाएगी 7000, ओके अच्छा बहुत अच्छा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करिए और अच्छे अच्छे प्यारे राइटिंग में अपनी कॉपी कंप्लीट करिए, ठीक है जी बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में कूदेंगे और एक नया सा वहां पे हम लोग को सीन मिलेगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22 है, ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, अभी तक आपको सुब्बा राव मिले थे, अब रामकली भी आ गई, ठीक है, रामकली अनारकली जो भी हो, रामकली
saved rupees 5 in the first week of a year. Ramkali क्या की है कि 5 रुपए किसी ईयर के पहले सप्ताह में उसने 5 रुपए क्या किया, सेव किया, ठीक है, जमा किया. क्या किया? जमा किया. ओके, क्वेश्चन यही है, सेव रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग. और वो फिर क्या करती है, हर सप्ताह कितने रुपए और इंक्रीज करती, उसमें बढ़ाते जाती है. पहले सप्ताह 5, फिर अगले सप्ताह 1.75, नहीं 5 प्लस 1.75, वो इंक्रीज कर दी उसमें. 5 तो जमा करती है प्लस 1.175 और करती चली जा रही है. ठीक है, बात समझिए क्या बोला जा रहा है. रामकली पहले सप्ताह में 5 रुपए जमा करती है, जब दूसरा सप्ताह आता है तो 5 प्लस 1.75 मीन्स 6.75. 5 में 1.75 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.75. ठीक है, और ऐसे ही करते करते वो हर वीक में पर वीक में ऐसे ऐड करते चले जा रही है. ओके, करेक्ट. इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, फाइंड n. क्या कह रहा कि अगर उसका nth टर्म में, nth वीक में हर वीकली सेविंग उसका जो साप्ताहिक सप्ताह में पर सप्ताह जो वो क्या कर रही है, सेविंग कर रही है, वो कितना हो जाता है, 20.75 nth टाइम बार. तो करा फाइंड n, n का वैल्यू पता करो. अब यहाँ पे लेट आउट नहीं करना है, आपको लेट करना नहीं है, बस ये ध्यान देना क्या क्या चीज दिया गया, क्योंकि जो चीज लेट करना था n, वो चीज हमें n दिया ही है कि n टाइम बाद वो उसका जो सेविंग है 20.75 हो जाता है. तो n का वैल्यू बताओ, कितने समय बाद, कितने सप्ताह बाद, कितने वीक बाद वो उसका जो सेविंग हो इतना हो जाता है. ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग केवल सॉल्व करते हैं हम, ठीक है. तो गिवन क्या है, पहले तो लिख लेते हैं. गिवन में आपके पास गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया है रुपीज 5 जो है ये ए का वैल्यू है. ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, रामकली सेव रुपीज 5 इन फर्स्ट वीक मीन्स, सो ये आपका सीन्स हो गया, देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू मीन्स 5. ओके, एंड हर वीकली सेविंग कितना है, एंड वीकली सेविंग कितना है, वीकली सेविंग बोले तो डी का वैल्यू कितना है, रुपीज 1.75. ओके, 1.75 इसका वीकली सेविंग है, डी का वैल्यू. ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो मींस nth टर्म बार कितने समय बाद, इफ इन द nth वीक में इतना हो जाता है. ठीक है, बातें समझ में, आफ्टर nth टाइम मींस nth वीक. वीक मीन्स ए एन का वैल्यू दिया गया है, कितना है ए एन का वैल्यू, ए एन इज रुपीज 20.75. ओके, यहाँ पे 20.75 ये चीज आपके पास है. ओके, और आपको एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, ये चीज आपके पास मैटर है और मैटर आप लोग इतना लिखने के बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, अब इसको मैं ऊपर से हटा दे रहा हूं, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, इसको सॉल्व करके हम लोग तो क्या हो जाएगा, सिंस फार्मूला आपके पास है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. ठीक है, ये फार्मूला है, ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन मीन्स 20.75 इज इक्वल टू ए मीन्स 5 रुपीज हो जाएगा प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है और डी का वैल्यू कितना है 1.75. ओके,
चलिए इसको इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज 15.75 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आकर के इस साइड और इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.75 n - 1.75 हो जाएगा। ओके 1.75 को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो इस साइड ट्रांसपोज करने से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल ओके तो ये चीज हुआ ना यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो गया और ये चीज आ जाएगा यहाँ पे ये इस साइड आके ऐड हो जाएगा और आपको मालूम है कितना हो जाएगा ये इस साइड आके ऐड हो जाएगा। देखो ऐसे 75 + 1.75 = 1.75 n। ओके तो ये दोनों ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 5 5 10 0 कैरी 1, 7 7 14 1 15 को 5 कैरी, कैरी कितना हो गया 1 आ गया। ओके ओके 5 5 10 0 कैरी 1, 7 7 14 1 15 को 5 कैरी 1 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया और ये 1 17.50 = 1.75 n। और इसको इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो मिलेगा क्या आपको मींस n = आपके पास 17.50 upon 1.75। ओके ये डेसिमल हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं आपको कि बिल्कुल प्रॉब्लम हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा 750 मींस हो जाएगा 1750 और 175। इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाक से, ठीक है डिवाइड कर लीजिए तो ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 का अगर इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे या सीधे सीधे आप लोग देख रहे हैं 175 और 175 इसको डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा n = 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, ठीक है n = क्या चीज आ गया आपके पास n = 10 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से क्या कर लिए n का वैल्यू पा गया और n का वैल्यू जो आ गया मेरा ये आ गया n = 10 आ गया। ओके तो हम कह सकते हैं कि कितने समय बाद हेंस लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि हेंस है ना आफ्टर 10 वीक आफ्टर 10 वीक क्या हो जाएगा आफ्टर 10 वीक हर सेविंग क्या हो जाएगा विल बी जितना दिया गया था 20.50 था, कितना था 20.50 ही था ना क्वेश्चन में, एक मिनट मैं क्लियर कर लूं। ठीक है तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को क्रैक कर लिए और अपने लगभग सारे क्वेश्चंस को लगभग क्या सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए। 20.75 यहां पे था, ठीक है ओके तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए क्वेश्चंस के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिए और विजय पा लिए है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जर्नी इस एक्सरसाइज की जर्नी काफी अच्छी लगी होगी, आप लोग कमेंट भी दीजिएगा ठीक है कि क्या प्रॉब्लम है क्या चीज आपको अच्छा लगा। ठीक है तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कुछ फार्मूले क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो रहेगी वो उसमें हम लोग कुछ दूसरी चीज पढ़ेंगे, ये भी चीज जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों को भी हम लोग वहां पे यूटिलाइज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू सो मच।